ओके, इन प्रीवियस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हाउ द वुल वी प्रोड्यूस्ड बाय द शिप एंड हाउ वी गेट द वुल। नाउ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल यानी कि काम करते समय जिस तरीके की प्रॉब्लम कर्मचारी या मजदूर फेस करते हैं, वो आखिर कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे कि लोगों को पीड़ित रहते हैं। जैसे कि वुल इंडस्ट्री में जो बहुत सारे लोग होते हैं, बट शॉर्टर जॉब इस रिस्की एज समटाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरिया। एक्चुअली जो वुल में होता है एक तरीके का बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, एंड दिस बैक्टीरिया इज नोन एज एंथ्रेक्स, और इस बैक्टीरिया को हम एंथ्रेक्स कहते हैं, विच इज़ अ फैटल, जो कि बहुत ही खतरनाक ब्लड डिजीज कर देती है, उसका नाम है शॉर्टर। जिस सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल, यानी कि इंडस्ट्री में होने वाले उत्पादन के वजह से किसी भी प्रॉब्लम फेस करे वर्कर, उसको हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स बोलते हैं। ना इन एक्टिविटी 3.4 योर क्लासमेट लाइक अ पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वुल, यानी कि हम ये एक तरीके की एक्टिविटी है जो कि आप घर पे कर सकते हैं, लाइक आप पार्ट ऑफ अ ह्यूमन टू रियर शीप एंड देन चॉप, यानी कि उनके बालों को काट के आप देख सकते हैं कि वुल हमें किस तरीके से मिल सकती है, वो कि नॉर्मली आप वुल जो कि आपको मार्केट में मिलती है। नाउ सिल्क, नाउ वी टॉक अबाउट द सिल्क। वॉट इज सिल्क? द सिल्क फाइबर ऑल्सो एनिमल फाइबर, ये भी एक एनिमल से मिलने वाला फाइबर है, लाइक सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म्स जो कि हम सिल्क, एक बहुत रेशमी धागा होता है जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं, यानी कि उनका लार्ज प्रोडक्शन करना सिल्क वॉर्म्स का फॉर द सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। नाउ द योर Have you seen that mothers and aunt and kinds of silk saris they have, they are different kind of sari. So आपने देखा होगा कि आपकी mother हो गई, आपके relatives हो गए, वो silk के कपड़े पहनते हैं। It is very costly but is very comfortable for on the skin. Now life history of silk moth, यानी कि आज हम ये जानते हैं कि किस तरीके से उनकी पूरी जीवन काल होता है, जिस काल को वो कंप्लीट करके हमें सिल्क मिलती है। नाउ द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, जनरली वी नो दैट फीमेल सिल्क आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव एग्स या ले एग्स, यानी कि हम जानते हैं कि जो फीमेल होती है दे गिव एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वा एंड कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म, जो कि अंडों से लार्वा निकलते हैं उनको हम कैटरपिलर और सिल्क वर्म कहते हैं। अब द ग्रो इन साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री इज कॉल्ड प्यूपा। कैटरपिलर के बाद की जो स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्यूपा। नाउ इट फर्स्ट बीज इन नेट टू होल्ड इटसेल्फ देन स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड इट द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ एट, लाइक आप देख सकते हैं कि फिगर लाइक एग्स ऑन मलबरी लीव्स। एक्चुअली जो सिल्क जो वॉर्म्स होते हैं वो मलबरी यानी कि सैतूत के पत्तों को खाते हैं, उसके बाद दे जस्ट सिक्रीट आउट सम प्रोटीनियस थिंग्स एंड और उसके बाद वो अपने चारों तरफ यानी कि हेड से लेकर डाउन साइड तक एक एट तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट द फाइबर कॉल्ड प्रोटीन, और इसी प्रोसेस के थ्रू वो अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, और वो जो वो सिक्रीट करता है वो होता है एक तरीके का प्रोटीन जो कि हवा के कांटेक्ट में आने पे बहुत एक चमकीला पदार्थ या हम कह सकते हैं सिल्क फाइबर बना देता है। नाउ द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा, और इसी प्रोसेस में जब कैटरपिलर सिक्रीट करके प्रोटीन अपने आप को कवर्ड कर लेता है तो उसकी जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है प्यूपा, वो अपने आप को प्यूपा में चेंज कर लेता है। नाउ दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून, और प्रोटीन कवरिंग जो प्यूपा की सराउंड में होती है उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं,
cocoon. Okay, the further development of the pupa into moth continue inside the cocoon. अब pupa जो कि cocoon बन चुका है वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर अपने आप को develop करता रहेगा काफ़ी समय तक. ठीक है, now can you okay, the silk yarn जो कि हमें कोकून से मिलता है लाइक सिल्क मॉथ, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यान दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर. सिल्क यान जो कि हमें फाइबर जो थ्रेड जो बिल्कुल आपका क्या कह सकते हैं बहुत ही लिस्ट्रस होता है, बहुत ही चमकीला, बहुत ही सुंदर होता है जो कि हमें सिल्क से मिलता है, वो हमें डिफरेंट वेराइटी से मिलता है. जैसे कि शीप में डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, वुल में की डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, ऐसी सिल्क की भी डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं. लाइक जो कि हार्ड हो गया, कुछ स्मूथ होती हैं, कुछ बहुत शाइनी होती है, उसके बेसिस में लाइक हम जो सिल्क हमारे कंट्रीज़ में है जो कि टसार सिल्क हो गई, मूगा सिल्क हो गई, कोसा सिल्क हो गई, ये सिल्क हम ज़्यादातर पहनते हैं या उसको यूज़ में लाते हैं. और ऑप्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कि डिफरेंट सिल्क वॉर्म आर स्पन टू गेट वी गेट द सिल्क फ्रॉम डिफरेंट सिल्क वॉर्म. ना द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ अ मलबरी सिल्क, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा फेमस है वो आपकी मलबरी सिल्क है. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत शाइनी होती है, बहुत इलास्टिक होती है और बहुत ही सुंदर होती है. नाउ सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया प्रोड्यूसिस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल, यानी कि सेरिकल्चर यानी कि सिल्क का उत्पादन भारत बहुत पुराने समय से कर रहा है और इसी वजह से दे आर कमर्शलाइज, जो कि अपने देश और दूसरे देश में भी उस चीज़ की एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ वी हैव सीन दिस इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट सिल्क क्लोथ टाइप्स एंड पेज दिम इन योर स्क्रैप बुक, चूँकि आप अपनी नॉलेज के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क को कट करके अपनी स्क्रैप बुक में एज अ नॉलेज यूज़ कर सकते हैं. नाउ इन एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड एंड अ प्योर सिल्क थ्रेड. आप क्या कर सकते हैं कि आप एक आर्टिफिशियल सिल्क ले सकते हैं जो लाइक रेयन के फॉर्म में, जो कि हमें जनरली यूज़ बाज़ार में चीप, नॉट सो मच कॉस्टली नहीं मिलती है, और जस्ट सिल्क विच आर एक्सपेंसिव और नेचुरल जो कि एक्सपेंसिव होती है. जब आप उन दोनों को हाउ यू टेस्टेड कि फ्रॉम विच ऑफ देम इज़ नेचुरल, इनमें से कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिकली सिल्क है, तो आप उसको अगर आप ओपन फ्लेम में बर्न करोगे तो आप देखोगे कि जो नेचुरल सिल्क है उसमें जैसे कि बाल जलने की जो स्मेल आती है वो आपको फील होगी, क्योंकि एनिमल सिल्क है. ठीक है ना, क्योंकि एनिमल फाइबर है तो वो इस तरीके की आपको थोड़ी सी आपको उसकी स्मेल आएगी, और जो सिंथेटिक फाइबर है उसकी जलने की आपको लाइक अ प्लास्टिक आपको फील होगा, और जो नेचुरल सिल्क है वो ईजिली बर्न हो जाएगा और उसका कुछ भी आपको एसेस नहीं मिलेगा, बचा हुआ पार्ट आपको नहीं मिलेगा, और जो आपकी आर्टिफिशियल सिल्क है वो प्लास्टिक की तरह जलेगी. तो ये दो तरीके की एक्सपेरिमेंट हैं जो आप कर सकते हो और घर में ये पता कर सकते हो कि विच वन इज़ नेचुरल और विच वन इज़ आर्टिफिशियल. नाउ कम्स टू फ्रॉम कोकून टू सिल्क. नाउ वी हैव डिस्कस वेयर हाउ वी गेट कोकून से हमें सिल्क कैसे मिलती है. For obtaining silk, moths are reared and their cocoons are collected to get silk like. Yes, moths are reared, जैसे कि हम silk को के लिए जो moths होती है उनको cocoon के form में collect करते हैं और उससे हम silk thread लेते हैं. ना rearing silk form जो हम artificially या normally in industry form में करते हैं, जो कि female silk moth होती है जो कि काफ़ी सारे एग्स देती है एक समय में, उन एग्स को हम स्टोर करते हैं और उस एग्स का हम ये ख्याल रखते हैं कि वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे. नाउ द फार्मर कीप्स एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, उनको एक समान तापमान पे और एक समान उस पे रखेंगे ताकि उनका जो एग्स हैं वो किसी भी तरीके के की तरीके से रपचड़ ना हो जाए.
उसके बाद द एग्स आर वॉर्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर ऑफ द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स एंड दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ ली. फिर उनके जो एग्स के बाद जो वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और मलबरी ट्रीज में अच्छी पत्तियाँ आ जाती हैं, उसके बाद उनको उन पत्तियों पे रख दिया जाता है तो बियरा, और उसके बाद द लार्वा कॉल उस कॉल कैटरपिलर, और जो लार्वा की जो थर्ड स्टेज है वो होती है कैटरपिलर. और सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इन ऑर्मली सीनिंग साइज. इस तरीके से सिल्क वॉर्म अपनी जो साइज़ को इंक्रीज करते हैं और पूरे दिन या दिन भर वो उस चीज़ को अपने साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं. नाउ यू हैव सीन दिस इज़ अ डायग्राम जैसे रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कि हमें सिल्क वॉर्म किस तरीके से मिलती है. जो फीमेल सिल्क होती है वो एग्स देती है. नाउ इन पी जो मलबरी ट्रीज में वी पुट द लार्वा ऑफ सिल्क मोथ एंड देन आफ्टर इट ईट्स द मलबरी लीव्स एंड देन चेंजेज इन टू द कैटरपिलर and then after it changes into cocoon and this is a life cycle of silk worm. Now discovery of silk, हम आज ये discuss करेंगे कि silk किस तरीके से हमें discover हुई. पहले के समय जो आप generally जो China था, it is a first discover country to discover silk. चाइना ही पहली ऐसी कंट्री है जिसने डिस्कवर किया. उन्होंने देखा कि बहुत ओल्ड इट इज़ अ लाइक एम्प्रेस चाइनीज लेजेंड दैट एम्प्रेस सी लुची वाज आस्क्ड बाय द एम्परर टू फाइंड द कॉज ऑफ द डैमेज. उन्होंने देखा कि उनके बगीचे के जो मलबरी ट्रीज थे जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त यानी कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो उन्होंने उनको आदेश दिया कि इसका पता करें कि ये किस तरीके से ख़राब हो रहे हैं. जब शी ऑल्सो नोटिस दैट दे वर स्पिनिंग शाइनी कुकून अराउंड दैम, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे कीड़े जो थे लाइक अ सिल्क वॉर्म, वो एक तरीके का लार्वा प्रोड्यूस करके एक बार शाइनिंग अपीयरेंस दे रहा. एक्सीडेंटली जो कुकून था दियर इज ड्रॉप्ड इनटू अ कप ऑफ टी एंड टैगल इनटू डेलिकेट थे. उसके बाद क्या हुआ, वो एक चाय की प्याली में गिर गया और वो गर्म थी, उस वजह से उसके जो धागे थे वो खुल गए. वो धागे इतने सुंदर थे और बहुत डेलिकेट थे कि उनको उससे कुछ मतलब उनको फील मतलब उसके बाद उन्होंने सिल्क का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा. उस काफ़ी समय तक चाइना ने ये कोशिश करी कि इसके बारे में हम किसी को ना बताएं, पर जैसे कि ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर होते हैं वो आते जाते रहे. उन्होंने सिल्क का प्रोडक्शन का पता किया, सिल्क कैसे होती है. उसके बाद डिफरेंट कंट्री जो कि चाइना से सिल्क की एक तरीके से डिस्कवर, हाउ टू डिस्कवर सिल्क, तो उस वजह से तो जो रूट हुआ उसको हम कहते हैं सिल्क रूट, जो आज भी इसी नाम से फेमस है. नाउ प्रोसेसिंग लाइक लार्वा कैप देम क्लीन बैम्बू ट्रे अलॉन्ग द फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, यानी कि आफ्टर 20 to 30 days के बाद जो कैटरपिलर होते हैं वो मलबरी की ट्रीज पत्तियों को खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद जो उनकी छोटे छोटे रैक्स होते हैं उनको उसमें रख दिया जाता है और एक बिल्कुल उनको ये फील कराया जाता है कि ये दे लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. देन कैटरपिलर आर अटैच ऑन देन ब्रांचेस एंड द कुकून इनसाइड विल डेवलप द सिल्क वॉर्म, धीरे धीरे अपने आप को सिल्क मॉथ में डेवलप कर देते हैं. नाउ प्रोसेसिंग सिल्क द पाइल ऑफ कुकून्स इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. द